रक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू किए गए नई योजना निपथ के खिलाफ बिहार बंद का मिला जुला असर भागलपुर में देखने को मिला। व्यापारियों ने छात्रों के द्वारा किए जा रहे उग्र प्रदर्शन को देखते हुए अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखा। वहीं बहुजन स्टूडेंट यूनियन और एफ के द्वारा स्टेशन चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी नई योजना को वापस लेने की मांग की। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राजाध्यक्ष संजीव सुमन के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान वह संगठन के कई विंग के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान संजीव सुमन ने कहा कि सरकार अगर नई नीति को वापस नहीं लेती है तो लगातार प्रदर्शन करते हुए सरकार को अग्निपथ योजना वापस लिए जाने को लेकर मजबूर किया जाएगा। बहुजन स्टूडेंट यूनियन बिहार के बैनर तले बिहार बंद को सफल बनाने के लिए हम सब उतरे हैं। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, देश किसान मजदूर और सैनिकों से बनता है। यही मोदी सरकार किसानों के विरुद्ध में 3 कृषि कानून लाई थी और मजदूरों का जो बहुत सारा जो श्रम कानून था उसको 4 कानूनों में बदल कर उसके भी अधिकार को छीना गया। और आज सैनिकों पे विपत्ति आ पड़ी है। सेना को ठेका पट्टा पे देने का मतलब है क्या? देश की सुरक्षा को ठेका पट्टा पे देना। तो हमारी मांग है बिहार बंद के समर्थन के जरिए, क्या सेना में जो ठेका पट्टा सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना के द्वारा किया गया है उसको तुरंत वापस ले। ठेका पट्टा नहीं चलेगा और छात्र नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार की गारंटी करे। और सेना के अभ्यर्थियों पर जो बर्बर दमन है वो तत्काल तुरंत बंद हो और गिरफ्तार छात्रों को रिहाई हो। अग्निवीर योजना के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी सेंसिटिव जॉब्स हैं, जितने भी स्टेशन हैं, जितने भी हॉल्ट हैं, वहाँ पे सभी जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनिधि की गई है। साथ ही कुछ भ्रमणशील भी फोर्स रखे गए हैं ताकि कोई सूचना अगर मिलती है कि कहीं पर कोई लोग जुट रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो रहा है तो हम लोग वहाँ पर रश करवा पाएंगे। किस तरह की व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर किस तरह का आज व्यवस्था किया गया? सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले हमने जितने भी संवेदनशील स्थल हैं उनमें अपने एक स्टैटिक फोर्स का डेप्यूटेशन किया हुआ है। उसमें हमें बाहर से भी कुछ फोर्स मिला हुआ है, CTS के भी कुछ जवान मिले हुए हैं और बाहर से भी हमने जैसे DI साहब का दंगा पार्टी भी हमने उसमें लगाया गया। सभी संवेदनशील स्थल को चिन्हित करते हुए वहाँ पर एक डेप्यूटेशन किया गया है। उसके अलावा हमने कुछ मोबाइल फोर्स भी रखी है जो कहीं भी अगर हमें कुछ सूचना मिलेगी कि कुछ तरह से कोई उपवादी लोग जो हैं वहाँ पे कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है तो वहाँ पे हम तुरंत मूव करेंगे। मोबाइल फोर्स हमने पूरी एक्टिव है। उसके अलावा जिला दंडाधिकारी हैं जो हर जगह पे रहेंगे और अगर कोई भी ऐसा सूचना मिलती है तो वो भी करेंगे। बाकी उसके आधार पर गुप्त सूचना भी हम एकत्रित कर रहे हैं और जो भी है जो भ्रमित कर सकता है, छात्रों को भ्रमित कर सकता है या फिर एजुकेशन को ऐसा वायलेंट का टर्न दे सकता है उसको हम सब लोग सबको चिन्हित कर रहे हैं। रात में भी कार्रवाई हुआ है, सभी जितने भी कोचिंग संचालक हैं उनमें भी हमने उनसे जाके बात की तो उनमें भी हमने उनसे भी आग्रह किया कि अपने किसी भी छात्र को भ्रमित ना करें, उन्होंने एक तरह से सही राह दिखाई। तो ये एक पहले से कार्रवाई करी जा रही है और उसके अलावा भी अभी निरंतर कार्य करते रहेंगे। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।